अभिषेक राजपूत लिखते हैं कि विकृति विक्षिप्तता ऐसी बातें जो पता हैं कभी संभव नहीं होंगी, फैंटेसी वर्ल्ड, इन सब से कैसे बचें, इन सब में रस को कैसे समाप्त करें। विकृति विक्षिप्तता ये बातें संभव नहीं होंगी से क्या तात्पर्य है? संभव तो हो ही सकती है। व्यक्ति अपने अपने किस्म के फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। तुमने लिखा है कि फैंटेसी वर्ल्ड से कैसे बचें, इनमें रस को कैसे समाप्त करें। तो देखिए, मुख्य चीज ये है कि ऑब्जर्व करें, अवलोकन करें, जो कुछ भी है उसको हमेशा गौर से देखें। हम जिस चीज को भी गौर से नहीं देखते वो रूपांतरित नहीं होती। ध्यान जिसको हम कहते हैं ना, ध्यान, तो ध्यान का जो रहस्य है वो यही है कि जब हम गौर से देखते हैं, यानी कि ध्यान कहीं पर ले जाते हैं, तो जो सार्थक और सकारात्मक है वो विकसित होता है और जो व्यर्थ और नकारात्मक है वो विदा हो जाता है। रस जो है, देखा जाए, ये एक किस्म की कंडीशनिंग है कि व्यक्ति नकारात्मक में कुछ ज़्यादा रस लेता है। आप अलर्ट होंगे तो धीरे धीरे उससे मुक्त हो पाएंगे। विकृतियाँ आती हैं और जाती हैं। रहा सवाल विक्षिप्तता का, तो पोटेंशियली हर कोई एबनॉर्मल है। एक विक्षिप्त होने की संभावना सभी के भीतर सोई पड़ी है। जैसे सभी के भीतर दिव्यता सोई है, जैसे सभी के भीतर एक असुर सोया है, कभी भी जाग सकता है, ऐसे ही ये पागलपनी विक्षिप्तता भी सभी के भीतर है। तो संभावना के तौर से वो हैं, कोई भी शिकार हो सकता है उनका। हमको जागरूक रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। और उसमें जो हम रस लेते हैं, रस समाप्त तब होगा जब पहले रस को हम अनुभव करें, देखें कि जो रस है वो सचमुच में कितना रस है। कई बार जिसको हम रस लेते हैं उससे एकदम से भाग जाते हैं, उस पर हम कुछ काम नहीं करते। तो ठीक है, तुम फैंटेसी वर्ल्ड में या किसी भी इस तरह की काल्पनिक दुनिया में रस लेते हो, लो, और फिर देखो उस रस का परिणाम तुम्हारे ऊपर क्या हो रहा है। क्या सचमुच में वो तुमको ऊपर उठाने वाला है? क्या सचमुच में वो तुमको विस्तार देने वाला है? क्या सचमुच में वो तुम्हें गहराई से शांत बनाने वाला है? अगर ऐसा हो रहा है तो बेशक फिर तुम उस रस को क्यों छोड़ना चाहोगे। लेकिन अगर तुम देखोगे कि वो तुम्हें ड्रेन आउट करता है, तुम्हें थकाता है, तुमको एक उदासी से भरता है, पीछे तुम्हारे खालीपन, सन्नाटा आता है, अर्थहीन सा एक वातावरण तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, ये सब जब तुमको दिखेगा तुमसे वो छूटेगा। जितने भी चीज़ें हैं जिनको नकारात्मक कहा जाता है जीवन में, उनको देख लेना उनसे मुक्ति है। उनको सजगता से देखो, उसके रस को पहचानो। जिनको हम शुभ कहते हैं उनका रस हमेशा हमें विस्तार देने वाला हो। जैसे हम प्रेम में हों, हम अकारण प्रसन्न होते हैं, हमको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती। हम किसी के प्रति घृणा और ईर्ष्या में हों, हम तनाव में होते हैं, हमारे भीतर जैसे सब कुछ खींचा जा रहा होता है, जैसे सब कुछ तोड़ा जा रहा होता है, अच्छा तो नहीं लगता। तुम्हारा अंतर्मन किस चीज़ का चुनाव करेगा? जो सहज था, विस्तार में ले जाने वाला था, तुमको प्रसन्न बनाने वाला था, या जो तुमको धीरे धीरे तोड़ रहा था, तुमको तुम्हारे अंदर ही बिखेर रहा था? इसीलिए जो भी ये नकारात्मकताएं हैं, जो भी फैंटसीज हैं, विकृतियां हैं, विक्षिप्तताएँ हैं, उनको निकटता से, सजगता से देखो, और फिर उनसे मुक्ति का जो मार्ग है वो तुम्हारे लिए प्रशस्त हो।